हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आज बात करेंगे खेलकूद से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। पिछले कई महीनों से मैंने अपलोड नहीं किया था, तो ये जनवरी फरवरी और मार्च का खेलकूद से रिलेटेड करंट अफेयर्स का पार्ट वन है। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है और साथ में ब्लॉग पर यानी कि www.myexamnotes.com पर मैंने कंटेंट भी, क्वेश्चन आंसर्स भी, MCQs भी अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो का और इसके बाद जो दो करंट अफेयर्स आएंगे उनका एक साथ एक क्विज में डाल दूंगा 25-30 क्वेश्चंस का, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को देख सकते हैं। तो ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा और चलिए सीधा लेकर चलता हूं मैं आपको MCQs पे। ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम फोकस चैनल इंस्टाग्राम पर examfocuseducation@gmail.com अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाउट पूछना है जो आप कमेंट में नहीं पूछ सकते, और फेसबुक पे एग्जाम फोकस का ऑलरेडी पेज बना हुआ है, वहां पर भी आप लाइक या फिर फॉलो कर सकते हैं। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मैस्कट ऑफ 19th एशियन गेम, तो 19वें एशियाई खेलों का इसमें से शुभंकर कौन सा नहीं है। तो आपको देखिए जो एशियन गेम्स हो रहा है, 19th एशियन गेम्स, उसका मैंने आपको पहले ही बताया था कहां पर होना है, तो ये हैंगजाओ में होगा, HANGZHOU, ठीक है। ये कहां पर है, ये चाइना में है, और इसका जो मैस्कट है वो तीन रोबोट से बनकर बना है जिसको हमें स्मार्ट ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो तीन है लेकिन इसमें से तीनों का नाम है, देखिए ये तीन जो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर का, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान और चेन चेन, ये तीनों मैस्कट्स के पार्ट हैं पर पिंग पिंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पिंग पिंग। अच्छा, ये कब होगा, तो ये होगा 2022 में, कहां पर, तो जैंगजाओ चाइना में। और चाइना ने पहले भी 1990 में और उसके बाद 2010 में और फिर इस साल मतलब नेक्स्ट जो आने वाला है 2022 में होस्ट करने वाला है, ठीक है। और एशियन गेम्स में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर है कहाँ पर, तो कुवैत सिटी में, KUWAIT, कुवैत सिटी, ठीक है। और कब फाउंड किया गया था, तो 1982 में। तो इतना जीके आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 45 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, एक देखिए होता है एशियन यूथ गेम्स और एक होता है एशियन गेम्स, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एशियन यूथ गेम्स जो है उसका जो वेन्यू है वो कहाँ पर है, तो वो रिसेंटली अगले साल होने वाला है, SHANTOU शांताओ, ये भी कहाँ है, चाइना में है, और ये अगले साल नवंबर में होगा, नवंबर 2021 में। इतना आपको ध्यान रखना है, ये हर चार साल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। Who among the following awarded as 2019 BBC Indian Sports Women of the Year? तो BBC के द्वारा किसको इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, इनमें से किस, चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, चारों इंडियन हैं, तो मैरी कॉम एसोसिएटेड है किस चीज़ से, तो बॉक्सिंग से, सबको को पता ही है। दूसरा जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, मानसी जोशी, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड हैं, तो ये पारा बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं। स्मृति मंदाना ऑब्वियसली क्रिकेट से रिलेटेड हैं, और पीवी सिंधु शटलर हैं, तो आंसर है इसका पीवी सिंधु। और ये देखिए पिछले साल मेजर कंट्रीब्यूशन क्यों दिया गया, क्योंकि BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में इन्होंने खिताब जीता था, पहली इंडियन बनी थी, इसके साथ साथ ओलंपिक्स में सिल्वर भी इन्होंने जीता था, ये पहले की बात है, और 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल इनको मिल चुका है, तो पीवी सिंधु इज द करेक्ट आंसर। तो ये चारों को आप ऑप्शन पिक में देख सकते हैं। नाउ मैक्सिकन ओपन 2020 विनर इज मैक्सिकन ओपन। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था पीटी उषा को, ये भी आप याद रखना, पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और इन्होंने बहुत सारी लड़कियों को प्रेरित किया स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। नाउ मैक्सिकन ओपन 2020 विनर इज, तो 27th एडिशन का ये मैक्सिकन ओपन था, 27वां एडिशन था ये, और किसको अवार्ड दिया गया, तो विनर कौन रहे मैक्सिकन ओपन के, तो ये रहे राफेल नडाल, आंसर इज राफेल नडाल, आप इस तरफ देख सकते हैं नडाल को जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, और टेलर फ्रिट्स इस तरफ आप देख सकते हैं, तो रनर अप थे टेलर फ्रिट्स, और वेन्यू क्या था इसका, तो एकापुलेको, ACAPUL को, एकापुलको आप बोल सकते हैं इसे। और वुमेन सिंगल में भी आपको यहां पर बता दूं, मैंने क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंक्लूडेड नहीं किया था, HEATHER हैदर वॉटसन, WATSON, कहाँ से हैं हेलर वॉटसन, तो हैदर वॉटसन ये हैं ब्रिटेन से। विमेन कैटेगरी में इन्होंने जीता था क्या, तो मैक्सिकन ओपन।
तो याद रखना राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन 2020 जीता है। हालांकि इस साल बहुत सारे जो इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स वो अभी कोरोना वायरस के कारण ऑर्गेनाइज नहीं किए जा रहे हैं। लेटर डेट्स में भी कुछ टेनिस टूर्नामेंट्स तो शायद कैंसिल ही हो जाएंगे, अब नेक्स्ट ईयर होंगे, और जो आने वाले इवेंट्स हैं वो भी पोस्टपोन हो जाएंगे। नाउ विच सिटी ऑफ इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट फाइनल ऑफ अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो अंडर 17 महिलाओं के कैटेगरी में फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 कौन सी सिटी इंडिया की होस्ट करेगी? अब देखिए ये 21 नवंबर को होना है, लेकिन वेरी डाउटफुल कि इसका भी डेट एक्सटेंड होगा। 2 नवंबर से फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप वुमेन कैटेगरी का शुरू होगा। लेट्स सी व्हाट द न्यूज इज, बट एज पर नाउ अभी जो स्टेटस है उसके हिसाब से इसका है नवी मुंबई या मुंबई। तो बहुत सारे लोकेशंस इंडिया में चुने गए थे सारे मैचेस जो कराए जाएंगे, आंसर है मुंबई। तो जो वेन्यूज़ हैं अलग अलग मैचेस के वो होंगे भुवनेश्वर में, उसके बाद अहमदाबाद में, गुवाहाटी में, कोलकाता में और फाइनली मुंबई में। तो आंसर इज़ मुंबई। और इसका एक स्लोगन था जो शायद मैंने कब पहले डिस्कस किया था, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। इस फीफा वर्ल्ड कप का स्लोगन किक ऑफ द ड्रीम, ठीक है, ये याद रखना, किक ऑफ द ड्रीम, DREAM, ठीक है। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ हु अमंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी आने वाले एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, 100% गारंटी आप SSC देने वाले हैं आने वाले समय में, पक्का किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा मेंस और वुमेन्स कैटेगरी दोनों के लिए। हु केम रनर अप इन ऑस्ट्रेलियन ओपन अंडर द मेंस कैटेगरी SSC के एग्जाम्स में? तो आजकल विनर छोड़ के रनर अप भी पूछ लेते हैं, क्योंकि लोग विनर ध्यान रखते हैं रनर अप भूल जाते हैं, इसलिए रनर अप आपको बताना है। तो देखिए ये फाइनल मैच हुआ था किसके बीच में, सबसे ऊपर देखते हैं आप किसको, तो नोवाक जोकोविक को जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और नीचे दो पिक्चर है, एक तो स्टेफनोस सिसिपास का है जो इस साइड है, और दूसरे हैं कौन, तो डोमिनिक थीम। तो इनका मैच हुआ था डोमिनिक थीम के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्लोज मैच था। इसका जो पॉइंट टेबल मैं आपको बताऊं, जो सेट्स थे 6-4, जरा देखिएगा, बहुत ही क्लोज मैच था, 4-6, उसके बाद 2-6 हुआ था, उसके बाद 6-3, यहां तक दोनों बराबर थे, लेकिन फाइनल में जोकोविक ने ये वाले राउंड लास्ट राउंड में जीत हासिल करी थी, और इसके साथ जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पे कब्जा किया। तो ये इसका वेन्यू कहाँ था, मेलबर्न था ऑब्वियसली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर इस क्वेश्चन के लिए डोमिनिक थीम है, ठीक है, बाय द वे विनर इज नोवाक जोकोविक। तो अंडर वुमेन्स कैटेगरी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 विनर इज, तो महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन की विजेता कौन रही, वेरी यंग एट द एज ऑफ 21, वन ऑफ द यंगेस्ट। देखिए मारिया शारापोवा ने 2008 में जब वो खेली थी तब वो वन ऑफ द यंगेस्ट थी। अभी देखिए इस केस में सोफिया केनिन हो गई हैं, सोफिया केनिन ने गैबरिन मुगुरुजा को हराया है, और ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं सोफिया केनिन, तो ये याद रखिए, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल भी है। नेम द फर्स्ट टेनिस प्लेयर इन ओपन एरा ऑफ मेन्स सिंगल टू विन ग्रैंड स्लैम इन 3 different decades। तो 3 सदी में किस खिलाड़ी ने, किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम सिंगल हर सदी में ही जीता है? तो ये आंसर अभी आपको मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का रिजल्ट बताया, वो पहला ग्रैंड स्लैम था इस साल का, तो ऑब्वियसली आंसर इज नोवाक जोकोविक, बट फर्स्ट हैं इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। और 2008 में इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था, और वो था क्या, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही था, और उस समय ये पहले सर्बियन प्लेयर बन गए थे किसी भी ग्रैंड स्लैम टाइटल को जीतने वाले। उसके बाद 2011 में इन्होंने फिर से ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, लेकिन 2010 से 2020 के बीच में इन्होंने बहुत सारा ग्रैंड स्लैम और टाइटल्स जीता। 2020 इस सदी की बात करें तो इस सदी में ये पहला टूर्नामेंट था, और नोवाक जोकोविक ने इस ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतकर ये हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो हियर। नेम द मैस्कॉट ऑफ 2020 नेशनल गेम्स, 2020 के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर का नाम बताइए। तो ये जो आप पिक देख रहे हैं यहां पर, यह है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, और यही इसका मैस्कॉट है। इसका आंसर है सही रूबी गुला, और ये आप पिक में देख सकते हैं रूबी गुला को। इसका वेन्यू कहाँ है, तो वेरी इजी, इट्स इन गोवा, और ये कब होगा, तो ये अक्टूबर 2000
20 में, यानी कि 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होगा, लेकिन अभी इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर एवरीथिंग गोज़ वेल तब हम इसको कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन अभी कहना मुश्किल है। नौ 12,000 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट से, और ये सबसे इम्पोर्टेंट 36th एडिशन है इसका, तो 37 स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये पूरा खेल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आंसर इज रूबी गुला इज द मैस्कट। कहाँ पे होगा ये, तो गोवा में होना है। नाउ विच स्टेट वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो खेलो इंडिया यूथ गेम में युवा खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाले स्टेट का नाम बताइए, तो ये आंसर है महाराष्ट्र। वेरी इजी टू इंटरप्रेट, और 256 मेडल जीता जिसमें से 78 गोल्ड था, तो इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट ने जीता है वो है हरियाणा। हरियाणा राष्ट्र में भी बहुत मेडल्स जीती थी, तो इन्होंने जीता 200 मेडल टोटल, और उसके बाद थी दिल्ली, और उसके बाद था कर्नाटका, तो ये थर्ड और ये फोर्थ, और फिफ्थ था शायद उत्तर प्रदेश। तो इतना इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की उस समय जब कमलनाथ की सरकार थी, तो उन्होंने बोला था कि 1,00,000 इंसेंटिव हम देंगे अपने स्टेट से जो भी गोल्ड मेडल जीतेगा, तो उन्होंने टोटल मध्य प्रदेश ने 46 मेडल जीते थे जिसमें से करीब 15 गोल्ड थे। तो अब पता नहीं उन्होंने दिया या नहीं दिया, उनकी तो सरकार ही बदल गई, वादे तो बहुत करे थे। और 75,000 उन्होंने बोला था कि सिल्वर मेडल वालों को देंगे, और 50,000 देंगे किसको, तो जो ब्रॉन्ज मेडल वाले हैं उनको। वेन्यू कहाँ था इसका, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गुवाहाटी में इसका वेन्यू था, HATI, ठीक है। तो 2020 का जो खेलो इंडिया था उसका गुवाहाटी असम में वेन्यू था। नाउ इंडोनेशियन मास्टर्स टाइटल विनर इन वुमेन कैटेगरी इज, महिला वर्ग में इंडोनेशियन मास्टर खिताब की विजेता कौन है, तो ये हैं रैचनोक इंतनोन। तो ये आप ज़रा ध्यान रखना, मैं शायद सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। और रनर अप जो थी वो कैरोलिना मैरिन थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले भी बहुत बार विनर रह चुकी हैं। तो आंसर इज रैचनोक इंटनोम, जो कि कहाँ से हैं, बैंकॉक यानी कि थाईलैंड से, इम्पॉर्टेंट, THIELAND। और प्राइज मनी था $30,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मेन कैटेगरी में भी नाम बता देता हूँ, एंथनी सिनिसुका जिंटिंग, कई बार इनका भी नाम आता है। तो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगले वीडियो में मैच लूंगा, बट स्टिल, इंडिया के फास्टेस्ट स्पिनर जो 100 ODI विकेट लिए हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब मिलेंगे पार्ट टू में, और कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर क्वेश्चन पूछ लेना। थैंक यू, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।